बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और आलू, और मैंने इसके लिए प्याज़ और लहसुन जो है वो फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी, जिसमें आपका है टमाटर है, काश किया हुआ अदरक है, और ये मैंने मिर्चें जो है इसे एक मिर्च को डबल इस तरह काट लिया है दरमियान में से, और ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। मैं इसमें ये नमक डालूंगी, तकरीबन ये वाली एक चम्मच है। ये आप जितनी मिर्च है ये मैं इसमें डालूंगी, ये तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा सी कम है। इसमें ऐड अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये हल्दी। अब इन्हें सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दूंगी। ये कलौंजी थी, ये हो चुका है मसाला हमारा प्याज। अब हम इसमें गोभी और आलू डालेंगे। ये इसमें मैंने गोभी और आलू डाली हैं, मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे दम पर रख दूँगी। इसे मैं रखूँगी दम पर। अब इसमें मैं करूँगी काली मिर्च ऐड। ये देखिए काली मिर्च है, ये अपने अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसी आपको पसंद है आप वैसे ही डालें। इसे मिक्स करें। और इसे रख दें दम पर। ये देखिए हमारा सालन बन का तैयार है, और कितना अच्छा बना है, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। नज़दीक करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बना है। और ये मेरी साइड पे रोटी भी बनाना शुरू कर दी है, ये रोटी के साथ खाएंगे। ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।